दोस्तों रितु रिवा के एलिमिनेट होने के चार रीज़न मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। वो चार रीज़न क्या है चलिए मैं बताता हूँ। और देखिए आप लोग बोलेंगे कि अभी एलिमिनेट होने के रीज़न बता रहे हैं, तो ये लोगों का कहना है, मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं एब्जॉर्ब किया तभी आप लोग को मैं बता रहा हूँ। तो पॉइंट है वो है कि म्यूज़िक सीखा नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग इंडियन आइडल के ऑडिशन राउंड देखे हैं तो आप लोग को पता होगा कि हिमेश रेशमिया सर पूछे थे उनसे कि आप म्यूजिक सीखे हैं, तो उन्होंने कहा था कि नहीं मैं म्यूजिक नहीं सीखा हूँ, ओनली मतलब मैं अपने से ही सिंगिंग करता हूँ, तो इस तरह से वो कहे थे। तो कहीं ना कहीं निकलने का रीज़न ये भी बताया जा रहा है कि वो म्यूज़िक नहीं सीखे थे तो वो किस तरह से सिंगिंग करेंगे। लेकिन बट यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो कोई भी ये बोल रहे हैं, देखिए सीखने ना सीखने से कोई मैटर नहीं, यहाँ पे दिल में जगह बनाने की बात है। वो दिल में तो जगह बनाए हैं, सबको प्यार दिए हैं अपने सिंगिंग से, तो म्यूज़िक नहीं सीखे थे इसलिए उनका एलिमिनेट हो गया, तो ये किसी तरह से भी कोई रीज़न नहीं है। और जो लोगों का कहना है इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। दूसरा रीज़न चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। दूसरा रीज़न ये है कि उनको हिंदी नहीं आती है, ठीक है, लोगों का ये कहना है। ये एक नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट को कैसे उस तरह से एक हिंदी जो होता है लैंग्वेज अच्छे से मतलब क्लियरली नहीं बोल पाते। इतना सारा गाना मैं सुना यूट्यूब पे और इंडियन आइडल के मंच पे भी वो गाए, लेकिन जजेस तो कुछ भी नहीं बोले कि वो हिंदी लैंग्वेज उतना अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं, क्लियरली नहीं बोल पा रहे हैं। ये लोगों का किस तरह से कहना हो गया। तो अगर ये कहा जा रहा है कि उनको हिंदी नहीं आता है, तो मैं आपको कुछ वीडियोज़ दिखाता हूँ जिसमें वो हिंदी सॉन्ग ही कवर किए हैं। अपने जो यूट्यूब चैनल है उनमें वो हिंदी सॉन्ग ही डालते हैं, अपलोड करते हैं, तो उनको चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ थोड़ा बहुत, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि वो ऐसा नहीं है, ये रीजन हो ही नहीं सकता है। सारी रात जागा जागा रे रास्ता में नंगे पैर तरना वे, मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, छुट्टी है वो राह सारी दुनिया की, तो जैसे कि आप लोग ने देखा गाना सुना, तो आप लोग को कैसा लगा, कि थोड़ा लगा कि प्रॉब्लम है बोल के? नहीं लगा ना, तो यही है गाइज। और बहुत कोई बोल रहे हैं कि हिंदी में प्रॉब्लम होगा इसलिए, तो गाना सुनो भाई उनका, तभी पता चलेगा। तीसरा रीज़न चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। तीसरा रीज़न कहीं ना कहीं इंडियन आइडल को बुरा कहने का है। लोग बता रहे हैं कि इनको स्कैम कहाँ है, फेक कहाँ है, इसलिए जो है इनका सिलेक्शन नहीं किया गया, उनको निकाल दिया गया कहीं ना कहीं इस तरह से। तो जहाँ तक बात है इसका, जी लोग कि लोग कह रहे हैं कि उनको इस तरह से निकाल दिया गया स्कैम कहने के कारण, तो वहाँ पे खुद जो है विशाल ददानी सर बोले थे कि तुम जो बोले हो ठीक है, तुम बोल लिए सब कुछ ठीक है, लेकिन हम लोग अभी ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग तुम्हारे सपोर्ट में खड़े हैं, तुम गाओ अच्छे से सिंगिंग करो, और हो सकता है तो तुम गोल्डन माइक ले लो, तो इस तरह से बोले थे गाइस। अगर इस तरह से होता तो उनको इस तरह से नहीं निकाला। लोग वो कह रहे हैं कि उनको इस वजह से निकाला गया है, और कहीं ना कहीं हो भी सकता है, ठीक है, कहा नहीं जा सकता। चौथा रीज़न चलिए मैं आप लोग बताता हूँ। कहीं ना इंडियन आइडल को लगा कि ये एक बड़ा से बड़ा मतलब कंपोजर या फिर म्यूज़िक डायरेक्टर बन सकता है। तो आप लोग देखे होंगे कि जैसे कि आप ऊपर उठ रहे हैं, ठीक है, और आपसे जो ऊपर रहेंगे तो आपको दबाने का कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो आपसे ऊपर उठे, ठीक है, कोई वो नहीं चाहेगा कि कोई उसके ऊपर उठे। भी हो सकता है कहीं ना कहीं कि वो इतना बेस्ट परफॉर्मेंस दिए और कहीं ना कहीं उनको लगा कि ये बहुत आगे जा सकता है, इनको अगर हम लोग सिलेक्शन कर ले तो ये कहीं ना कहीं मतलब बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करेगा और हमको हम लोगों को काम मिलेगा कि नहीं, वो दिक्कत हो जाएगा। फिर कुछ इस तरह से भी है गाइज, कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक लगा या फिर लोग भी कह रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को इस तरह से क्या लगा कि ऐसा है बोल के। तो यही था चार पॉइंट गाइज आप लोग को बताना था। तो आप लोग को कैसा लगा मेरा राय, और लोगों का जो सोच है वो किस तरह से लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आई होप ये वीडियो आप लोग को कुछ जानने को मिली। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि सर के लेटेस्ट अपडेट आप लोग को मिलती रहे। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में दोस्तों।